हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स, इट मींस रासायनिक बलगतिकी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में साउंड की वजह से मुझे उस वीडियो को कैंसिल करना पड़ा। आज मैं फिर से इसी वीडियो को लेकर आ रहा हूँ दोबारा। व्हाट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, आज हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, रासायनिक बलगतिकी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है ना, वेलोसिटी यानी कि वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये किसकी ब्रांच है बच्चों? भौतिक रसायन की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि हम इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन किस रेट से कंप्लीट हो रही है, कब कंप्लीट हो रही है, कितना टाइम ले रही है, ठीक है ना बच्चों, उसकी स्टडी करते हैं। उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। तो बच्चों, रासायनिक बल गतिकी में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैं कभी बोलूँगा रेट ऑफ रिएक्शन और कभी बोलूँगा अभिक्रिया का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूँ, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एक ही बात है, ठीक है। कोई रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, हिंदी में कहूँगा मैं इसको अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग, मैं कुछ भी कहूँ दोनों में से एक ही बात है, ठीक है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है बच्चों। मैं फिर से आपको बता दूं अब कि हम इस रिएक्शन, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, या फिर हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया वेग के आधार पर, अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, टाइप अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया मोस्टली तीन प्रकार की होती है, ठीक है, जिनमें हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे वो जो रिएक्शन जो बिल्कुल फास्ट यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रिया, ठीक है, अति तीव्र अभिक्रिया, वो रिएक्शन जो कुछ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, कुछ मिनट में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें हम अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो द रिएक्शन विच इज़ कंप्लीटेड इन वेरी फ्यू सेकंड्स, बहुत ही कम सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। तो बच्चों, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना, यानी कि अम्ल क्षार अभिक्रियाएं। तो अम्ल क्षार अभिक्रियाएं जो होती हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन जो होंगी वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। आप देखते हो इनो वगैरह अपन पीते हैं, पेट के अंदर एसिडिटी होती है, आप इनो पीते हैं, बोलता है इनो 6 सेकंड में असर दिखाए, होता है ना। तो इट मीन्स एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करके बहुत ही फास्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया इनको अपन बोलते हैं, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है बच्चों, वो आता है स्लो रिएक्शन। ये वेरी फास्ट थी, ये स्लो थी, और स्लो के बाद नंबर तीसरी जो रिएक्शंस आती हैं बच्चों, वो आती हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये नंबर 1 थी, ये नंबर 2 और ये नंबर 3,
तो अब हम बात कर लेते हैं पहले वेरी स्लो रिएक्शन की, अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, इनकी हम बात करें बच्चों। तो ये रिएक्शन तो विद इन कितने सेकंड में, कुछ सेकंड में कंप्लीट हो रही थी, और इनको कंप्लीट होने में कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं। तो ये रिएक्शन हमें लगती ही नहीं है कि कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो द रिएक्शन विच इज़ कंप्लीटेड इन मैनी ईयर्स, द रिएक्शन विच इज़ कंप्लीटेड इन मैनी ईयर्स, मैनी डेज, मैनी हावर्स इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि वो रिएक्शन जो कई घंटों, कई मिनट, कई वर्षों में पूरी होती है, उन्हें हम वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। और देखने पर ये रिएक्शन ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रही है। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट मैं एग्जाम्पल इसका बताता हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण, जीवाश्म ईंधन। हमारी इस अर्थ में, अर्थ पर हजारों सालों पहले बहुत तगड़ा एक प्रलय आया है ना, भूकंप आया, जिसको हम कह सकते हैं अर्थक्वेक वगैरह। तो सारी जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह, जितने भी एनिमल्स वगैरह थे, वो सब ज़मीन के नीचे दब गए, और हजारों साल बाद है ना कोल का फॉर्मेशन हुआ, फ्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो एक फ्यूल को, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल्स को बनने में हजारों सालें लगती हैं। तो इनको हम मेज़र नहीं कर सकते, ये मेज़रेबल नहीं होती हैं बच्चों, इनको मापा नहीं जा सकता, इनको देखा नहीं जा सकता बनते हुए। तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण जो होता है वो बहुत स्लो होता है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड फ्रॉम कोल, फ्रॉम कोल, कोयले से हीरे का बनना। देखिए कोयले की खानों में हीरा बनता है ना, कार्बन से, कोल या कार्बन बोल सकते हैं हम, कार्बन से जो हीरा बनेगा, डायमंड बनेगा, उसे भी बहुत सालों लगते हैं बच्चों, तो डायमंड का निर्माण। दूसरा अगर हम बात करें सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी, मिट्टी का बनना भी, ये भी बहुत टाइम लगाता है। ठीक है ना, सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का बनना, मृदा का निर्माण चट्टानों से, ठीक है ना, चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है, बहुत टाइम लगता है बनने में। धीरे धीरे चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं, वो धीरे धीरे ब्रेक होती हैं, क्रैक होती हैं, और फिर धीरे धीरे उनसे मिट्टी बनती है। तो ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा हम एक डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, दैट इज़ ए रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग, इसको भी 6-6 महीने बच्चों लग जाते हैं। तो ये सारी रिएक्शन जितनी भी हैं बच्चों, ये रिएक्शन जो है वो वेरी स्लो रिएक्शन के एग्जांपल हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं स्लो रिएक्शन की। स्लो रिएक्शन क्या होती हैं? तो वे रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट या कुछ सेकंड तक का समय लगता है, ठीक है, उन्हें हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र किया जा सकता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी इनकी, वो कैसी होती है? मेज़रेबल होती है। कैसी होती है? मेज़रेबल, यानी कि मापन योग्य होती है। इन अभिक्रियाओं का वेग हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। इस अभिक्रिया का वेग का क्या क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, ये स्लो प्रोसेस में होती हैं, ये कुछ मिनटों में पूरी हो जाती हैं या कुछ सेकंडों में भी पूरी हो जाती हैं। इन केमिकल रिएक्शनों के बेस्ट एग्जांपल है आणविक अभिक्रिया, यानी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आणविक अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी कि कार्बनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएँ वो हमने पढ़ी हैं। ठीक है बच्चों, तो वो भी इनके बेस्ट एग्जांपल है। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमने अभिक्रियाओं को, केमिकल रिएक्शनों को तीन पार्ट में बांटा है। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन जिसे हम कहते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, और दूसरी स्लो रिएक्शन विद इन फ्यू सेकेंड्स भी बोल सकते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू हावर्स में कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन दिस इज कंप्लीट मैनी ईयर्स, मैनी हावर्स, मैनी डेज, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों वेरी स्लो रिएक्शन। तो रिएक्शन इस तरीके से बच्चों तीन टाइप की होती है। तो हम किस तरह केमिकल रिएक्शन का वेलोसिटी डिसाइड करते हैं? तो अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं दूसरा कहूँगा बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर,
क्या होती है अभिक्रिया का वेग, वेग या अभिक्रिया की दर, किसे कहते हैं बच्चों? क्या होती है अभिक्रिया की दर? तो देखिए, हम सब जानते हैं, वी नो वेरी वेल। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ये इंट्रो चैप्टर है, पहले ही हमें आज के क्लास जो आपके इंट्रोडक्शन में जाएगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है इसको, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। बच्चों, हम सब जानते हैं कि ये रिएक्टेंट है, यानी कि क्रियाकारक। ये है आपका क्रियाकारक, यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है। और हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है, कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक, बच्चों मैं जो बना रहा हूँ, ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। ये कोष्टक रिप्रेजेंट करता है सांद्रता, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वी नो वेरी वेल, रिएक्टेंट, आर का मतलब होता है यहाँ पर रिएक्टेंट, क्रियाकारक। तो ये क्रियाकारक की सांद्रता है। जो क्रियाकारक जो होता है वो टाइम के साथ साथ किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जानते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होती है, यानी कि उत्पाद में। तो टाइम के साथ साथ कुछ टाइम पर देखिए, जो आर है, रिएक्टेंट है, वो कम होने लगता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनक्रीज होने लगती है। क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ घटने लगती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ने लगती है, जो आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल जैसे मान लो, आप ये मान के चलो बच्चों, मैंने जैसे 100 ग्राम दूध लिया दही जमाने के लिए, मान के चलो 100 ग्राम मैंने दूध लिया दही जमाने के लिए, समय के साथ साथ धीरे धीरे दही जमता है, तो 100 में से 10 ग्राम दूध जो है वो दही में बदल गया और अब 90 ग्राम दूध बचा, 10 ग्राम आपका दही आ गया। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 100 से ये कम होता जाएगा, ये 10 से बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो बच्चों, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, ठीक है ना, वेल अमाउंट की बात करूं, तो रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ से आपको बताता हूँ, ये मैं एक ग्राफ आपको धीरे से केवल आपको अभी समझा रहा हूँ, अभी आपको कुछ नोट आपको वही करना है जो मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी सेंड किए हैं। ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक ग्राफ है और ये ग्राफ है कंसंट्रेशन का, ठीक है, यानी कि सांद्रता का, ओके। और किसकी सांद्रता? रिएक्टेंट की सांद्रता है, यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता का ग्राफ है, जो वाई एक्सिस पर है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको पहले बता दूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका टाइम का ग्राफ है बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है, वी नो वेरी वेल, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू होती है, यानी कि टी बराबर जीरो टाइम पर जब टाइम शुरू हुआ है, तब केवल और केवल रिएक्टेंट होता है आपके पास और प्रोडक्ट नहीं होता बच्चों। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगती है बच्चों, और टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज होती चली जाती है। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब बात करूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो जिस तरह रिएक्टेंट डिक्रीज होता है टाइम के साथ साथ, तो जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है उतना प्रोडक्ट बनता भी है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूँ, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, है ना, तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में मैं कर्व खींचूँ बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में और टाइम में ग्राफ ये आता है। तो हम ये तो समझ गए कि समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो अगर मैं इन दोनों का एक साथ ग्राफ बनाऊं, है ना, इन दोनों का एक साथ ग्राफ बनाऊं, तो वो कुछ इस तरह आएगा बच्चों। यहाँ ओनली कंसंट्रेशन है दोनों की और यहाँ टाइम है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि टाइम के साथ साथ स्टार्टिंग में केवल और केवल आपका रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। तो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन आपकी ये होती है रिएक्टेंट की, ठीक है बच्चों। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये हो गई। तो ये है आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी बच्चों, और ये है आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ। तो वी नो वेरी वेल, हम सब जानते हैं कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन,
तो इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, यानी कि ठीक है। अब सुनिए भाई हिंदी में डेफिनेशन क्या कहते हैं, कि क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। समय के साथ, अगर समय के साथ क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आता है, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, ठीक है ना। तो चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा से, ठीक है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, विद टाइम इंटरवल, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं, अभिक्रिया की दर को हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल आर कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो बच्चों डेल आर कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम जानते हैं टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, आपको दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन आएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। तो अगर रिएक्टेंट से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो माइनस का डेल आर अपॉन डेल टी, और अगर प्रोडक्ट से निकालते हो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन तो प्लस, क्योंकि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज जो आता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, डेल पी अपॉन डेल टी। और आपको जनरल अगर बताना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। सी का मतलब कंसंट्रेशन, किसी की भी कंसंट्रेशन हो सकती है, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी, किसके साथ बच्चों टाइम के साथ। और यहाँ मैंने आपको लगाया माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ माइनस तो रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजमेंट, माइनस इज इक्वल टू डिक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी को, और प्लस जो है वो इंक्रीजिंग या इंक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है प्लस का साइन, और माइनस का साइन क्रियाकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ये था अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की दर। तो हम अभिक्रिया की दर, हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद या क्रियाकारक की सांद्रता के में परिवर्तन की जो दर है बच्चों, इसको दर भी बोलते हैं, रेट भी बोलते हैं, दिस इज़ द रेट, ठीक है ना। द चेंज द रेट ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट इज द कंसंट्रेशन इन द रेट इज द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज की रेट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज की जो रेट है उसे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ द टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।